कि सत्ता कैसे चलाई जाए। आगे बढ़ा कंसो, अपने बाप का गले बांध पत्रा और सिंहासन से नीचे डाल दिया, हाथों में हथौड़ियां पांव में भेड़िया और उठा के काल कोठी में डाल दिया और कंस मथुरा को राजा बन बैठे। समझ ले ऊसों तो करेला करू हतो, नीम पर पड़ अब जहिरे दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, बने पागल है और इसी के बीच में श्रीमान अद्रासी फौजी जिनके सारांग में भगवान की पावन कथा चल रही है, उनके छोटे बेटा कन्हैया और उनकी धर्म पत्नी सुमन यादव हमें 501 नोटों से और साथ ही साथ में पगड़ी पहना करके मुझे ब्याज जी का सम्मान किया है। भगवान सुख शांति प्रदान करें और हमेशा धर्म के काम में बेटा कन्हैया यो ही हाथ बटाता रहे। अच्छा
दीवानों पर मेरा नाम हो। चिंता ना करो, अरे जितना घी तुम यज्ञ में जला करके खाते हो जलाते हो उतना उतना घी तो अपना खा और अपनी हड्डी को मजबूत बना। ठीक है महाराज, और बताओ। और आज तक जैसा शासन मेरे बाप ने चलाया हो उसमें कुछ गलतियां बनी हो मुझे माफ कर। माँ बहुत सुनाओ, कंस का जो अवतार हुआ वो किस लिए हुआ? मरने के लिए हुआ? नहीं, मैं अपने शासन में किसी को दुखी नहीं देखना चाहता, इसलिए हुआ। अच्छा, अगर मेरे दरबार में कोई दुखी हो निसंकोच होकर के कंस भगवान से फरियाद कर सकता है। अच्छा महाराज, हम बहुत दुखी हैं। तुम क्यों दुखी? अब मुंह पर चिमटा बजा ना। कहिए। हाँ, तुम हथकड़ियाँ पाँव में बेड़ियाँ उठा के काल कोठी में डालो। चिंता ना करो, संध्या को झोंक दिए। और कोई दुखी हो निसंकोच होकर के हमसे फरियाद करे। कोई दुखी तो ना है, वलीपा बटरो में ले लो फिर ना कहियो कोई मिलो ना है। मेरे परिचय सत्ता बहुत दुखी है। क्यों? ये बैठे बैठे परेशान बहुत है रहे हैं। कईयों के शिशुओं को काट लेता है, अब भोले बाबा के मंदिर में जाके चढ़ाए जाते। ऐसा ही नहीं, मूर्तियों पे कईयन के सिर पे Yeah.
ते माफ रखना भगवत प्रेमियो, आज कंस ने गायों के शीशों को काट लेता है, अब भोले बाबा के मंदिर में जाकर चढ़ाई देता है।